कहते हैं कि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, उन्होंने गायत्री और यज्ञ को जोड़ करके हमेशा देते, लेकिन उन्होंने एक बात और कहा, ये जो आप यज्ञ करते हैं ये तो कर्मकांड पर क्रिया है, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्रिया भी है यज्ञ का। उन्होंने कहा षट चिंतन को गायत्री और षट कर्म को यज्ञ। ठीक है, अगर आप संस्कार शाला में, साहित्य स्टॉल में, ये सारे जगह स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने में अगर आप समय दे रहे हैं, तो अगर आप ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो वो बड़ा प्रभावी यज्ञ आप कर रहे हैं, सत्कर्म है वो आपका यज्ञ। और अगर आप सत्चिंतन में व्यस्त हैं तो साहब आप गायत्री को अंगीकार किए हो। तो आप लोग जब अधिक से अधिक समय वो संस्कार शाला में दें, अच्छे कर्मों के माध्यम से साहित्य स्टॉल में दें, वगैरह वगैरह में दें। देखिए अपने यहाँ व्यक्तित्व परिष्कार का सत्र 25-26 बैच निकल चुका है और फिर नेक्स्ट कल से शुरू हो रहा है व्यक्तित्व परिष्कार का सत्र। ये व्यक्तित्व परिष्कार का अर्थ यह है साहब कि ऐसा सुनने में आता है कि साहब हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हमारा मन नहीं मान रहा है और हमारे जो संस्कार हैं वो नहीं बदल पा रहे हैं। तो गुरु जी ने इसके लिए ही फॉर्मूला दिया ये व्यक्तित्व परिष्कार का, क्योंकि वह जानते थे कि साहब मनुष्य बड़ा ही कमजोर है, वह एकाएक अपने मन के गति को नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो गुरुजी ने मन के दो बातों को बताया कि मन जो है वो दो तरह का है, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। चेतन मन क्या है साहब? तो ये तो एक 1/4 चेतन मन है और 3/4 अवचेतन मन है। अब जो अभी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो भी हम अपना डेली रूटीन कर रहे हैं वो चेतन मन के माध्यम से कर रहे हैं, जो 1/4 है। और 3/4 क्या है साहब? तो ये हमारा अवचेतन है जो सुपर पावर लिए हुआ, वो बहुत सुपर पावर है। ठीक है, अब गुरु जी का एक बांग में है चेतन मन, सुपर चेतन मन करके, वो बोल रहा है कि 3/4 जो है वो बहुत पावरफुल है, अगर वो जग जाए तो फिर साहब हमारे जीवन में असाधारण प्रतिभा का उदय होने लगता है। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति कम प्रतिभावान है, कोई व्यक्ति अधिक प्रतिभावान है, तो वो कहीं ना कहीं वही वो अवचेतन मन के जागरण का काम। कोई कोई आदमी में आप देखते हैं बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक विचार के अंतर्गत क्या है साहब? तो अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सेक्सुअल एक्टिविटीज है, हमेशा उसके भीतर वो क्या कहते हैं साहब, हमेशा वासनात्मक विचार आ रहा है, ये नेगेटिविटी, ये क्या है साहब? ये उसी अवचेतन मन में छुपा हुआ बात है। ठीक है, जो हम अपने जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार को लेकर के आए हैं, तो साहब क्या होगा कि इसको क्या हटाने का कोई तरीका है क्या? हाँ, उसको हटाने का तरीका है ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स जो कि हमारे भीतर पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसको गुरु जी ने कहा था व्यक्तित्व परिष्कार के माध्यम से इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी चीज को अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये 3 चीजों का होना आवश्यक है साहब। वो क्या है? पहला डिजायर, आपके भीतर इच्छा होनी चाहिए बदलने की। अगर आपके भीतर बदलने की इच्छा है तो समझ लीजिए कि आप 10-15% आप सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में अपने संस्कार को बदलने में। दूसरा, डिवाइन एटमॉस्फेयर, दैवीय वातावरण। हम बार बार कहते रहे हैं कि व्यक्तित्व परिष्कार का अगर कोई संस्था, अगर लाइसेंसधारी ऑनर है तो वो गायत्री परिवार ही है, पर हम कुछ गुरुदेव कहते रहे हैं कि डिवाइन एटमॉस्फेयर, ये शक्तिपीठ जो बना है ये हम लोगों के लिए डिवाइन एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराता है। अगर आप अन्य जगहों पे कहीं व्यक्तित्व परिष्कार सत्र कर रहे हैं साहब, तो वहाँ पे वातानुकूलित एटमॉस्फेयर है, एयर कंडीशन वाला एटमॉस्फेयर है, लेकिन वहाँ पे डिवाइन एटमॉस्फेयर नहीं। तो आपके भीतर डिजायर है, डिवाइन एटमॉस्फेयर है, दैवीय वातावरण यहाँ पे है, और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज जो है वो समर्थ गुरु का मार्गदर्शन है। यहाँ पोडियम से हमारे जो भी भाई बोल रहे हो वो माध्यम बन के बोल रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म में उनका काम होता है साहब बदलने का, परिवर्तन करने का, क्योंकि यहाँ से बोलने वालों के भूखे की बात नहीं है कि वो लोगों को परिवर्तित कर। तो 3 चीज अगर होना हो तो वहां पे लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। क्या साहब? डिजायर, डिजायर जो आप लोगों का होना चाहिए। दूसरा बात क्या साहब? डिवाइन एटमॉस्फेयर जो प्रत्येक शक्तिपीठ पर मौजूद है, और तीसरा समर्थ गुरु का मार्गदर्शन। ठीक है, तो इनके संरक्षण में भाइयों व्यक्तित्व परिष्कार सत्र कल से शुरू हो रहा है। व्यक्तित्व परिष्कार सत्र करने के बाद 3 चीज आपके जीवन में भाइयों तुरंत आएंगे, 3 चीज बदलाव तुरंत होगा।
भाइयों व्यक्तित्व में बदलाव, आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा ये 5 दिन के कोर्स के बाद। और अगर आपको किसी ने कहा कि साहब 5 दिन में व्यक्तित्व बदल जाता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। विवेकानंद ने कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण 1000 ठोकरें खाने के बाद होती है, 1000 ठोकरें खाने के बाद। ठीक है, ये जो ये 5 दिन का जो कोर्स आपको बताया जाएगा साहब, ये एक टाइप का आपको समझिए टास्क दे दिया गया है कि साहब आप अगर आप इसको रेगुलर एंड रिग्रेस प्रैक्टिस के रूप में फॉलो करेंगे तो साहब फिर आपके जीवन में परिवर्तन होगा। पहला आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, दूसरा क्या था तो आपके विचार बदलने लगे, वो जो आप वो जो नेगेटिव थॉट्स या फिर वो कचरा वाला जो विचार आपके भीतर है वो बदलना शुरू हो जाएगा, और तीसरा आपके आदतों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज आप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते देखेंगे। ठीक है, और 2 चीज और मिलेगा भाइयों आपको ये कोर्स करने के बाद, और इसका अगर आप अनुपालन करेंगे तो 2 चीज मिलेगा आपको, एक मस्तिष्क की ऊंचाई और दूसरा हृदय की गहराई। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज लोग पीट क्यों रहे हैं, आज इतना जो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार वगैरह सारा चीज चरम पर है, वो क्यों है, इसलिए कि मस्तिष्क की ऊंचाई आ गई है लेकिन हृदय की गहराई नहीं आई। गुरु जी इसीलिए कहे कि भाई गायत्री जपाओ, सबको गायत्री जपाओगे तो क्या आएगा साहब, 3 चीज आ जाएंगी, क्या आएंगी, पहली आस्तिकता आएगी लोगों के बीच। आस्तिकता का मतलब क्या, आस्तिकता का मतलब ये कि लोगों के भीतर ये विश्वास होगा कि कोई चीज ऊपर है जो 100% न्याय करता है, ईश्वर विश्वास आएगा लोगों के जीवन में। और दूसरा क्या आएगा, श्रद्धा आएगा। श्रद्धा का मतलब क्या हो गया, श्रद्धा का मतलब ये हो गया कि लोगों के भीतर संवेदना जगेगा, तो क्या करेगा साहब, वो अपने लिए कम से कम सुविधाओं का उपार्जन करेगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपने लिए अधिक सुविधाएं बटोरेगा तो दूसरों की वो सुविधाओं को छीनना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये श्रद्धा, और तीसरा क्या, तो धार्मिकता। धार्मिकता एक बात क्षमा चाहूंगा, हम आज क्या करते हैं साहब नेताजी लोग सब, हम धर्म निरपेक्ष हैं। अगर राज्य के मामले में धर्म निरपेक्षता की बात आती है तो सही बात है, लेकिन धर्म निरपेक्ष का मतलब हो गया कि सारे लोग धर्म से निरपेक्ष हो गए। निरपेक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, अगर धर्म के सापेक्ष सारे लोग हो गए तो आज बहुत बड़ी समस्या अपने राष्ट्र में नहीं होगी, चाहे आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, राज्य की बात नहीं कर, राज्य में धर्म निरपेक्षता जरूरी है, लेकिन जो हमारे शासक वर्ग हैं उनमें धर्म के प्रति सापेक्षता जरूरी है, क्योंकि धार्मिकता लोगों को कर्तव्य पारायणता के बारे में बताती है। इसलिए गुरुजी ने कहा जगह जगह गायत्री को पहुंचाओ, तभी लोगों के भीतर का सारा वो महाप्राण प्राण जगेगा। ठीक है, तो कल से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स शुरू हो रहा है भाइयों, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस कोर्स को कीजिए और फिर देखिए क्या लाभ होता है। दूसरा बात, जो भाई हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर लिए हैं वो 2 चीज तो करें ही करें, नहीं तो फिर बात वही हो गई कि साहब विचार से संस्कार का निर्माण नहीं होता है, विचार के साथ तब जुड़ता है तब संस्कार का निर्माण होता है, और विचार में रुचि लेने से सिर्फ निर्माण नहीं होता है। गुरुजी कहते हैं कि निर्माण में रुचि लेने से निर्माण होता है। ठीक है, तो आप प्रत्येक दिन सुबह में 45 मिनट गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए, वो 15-20 मिनट से नहीं, 15-20 मिनट तो आपको सोचने उचने में ही लग जाएगा, कोई उधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, कभी हीरोइन का फिगर आ गया, कभी वो आप कोई उतना बड़ा सिद्ध साधक तो नहीं है कि आंख बंद किए लग गया कनेक्शन जुड़ गया। ठीक है, तो वो 15-20 मिनट का आउटपुट देगा जब आप 45 मिनट करेंगे प्रत्येक दिन सुबह सुबह आप अपना काम शुरू कीजिए। तो मैंने एक धार देने वाली कहानी कही थी, पहले धार 45 मिनट दे लीजिए। ठीक है, और सोने वक्त 1 पेज का गायत्री मंत्र लेखन, 1 पेज का, शक्तिपीठ से नीचे उतरिए और नीचे उतरने के बाद आपको मंत्र लेखन की कॉपी मिलेगी, सोइए, सारा समस्या खत्म, जो आपका लंग फंग वाला जो समस्या वगैरह है, क्या 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 गलत बात दिमाग में आता है, ये सब आता है, वो सब आता है, ठीक है, वो सारी बात समाप्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 2 चीज, सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जप और 1 पेज गायत्री मंत्र लेखन, फिर आपका जीवन देखिए कितना जानदार शानदार और स्वर्णिम बनता है। ठीक है, हम अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करते हैं, कल से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स शुरू हो रहा है, अधिक से अधिक भाई उसमें भाग लें। आगे के लिए हम अपने बड़े भाई उज्ज्वल भाई को बुलाते हैं।